मैं डॉक्टर मंजू मीना, सहचर्य राजनीति विज्ञान। इससे पहले की क्लास में हमने प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को लिया और उसकी आलोचनाओं को देखा, और आज हम लेंगे परिवार का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद जिसको कि पत्नियों का साम्यवाद भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटो अपने साम्यवाद को दो भागों में बांटता है, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो का पत्नियों का साम्यवादी सिद्धांत जो है वह संपत्ति के साम्यवाद का पूरक नहीं, बल्कि प्लेटो के आदर्श राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने का भी पूरक है। पूरक होते हुए भी संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद में एक मुख्य अंतर हमको देखने को मिलता है, और वह है कि जहां प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद में संपत्ति के सामूहिक परित्याग की बात करता है, परंतु सामूहिक स्वामित्व की बात नहीं करता है, लेकिन पत्नियों के साम्यवाद में परित्याग के साथ साथ सामूहिक स्वामित्व की बात भी निहित है। और प्लेटो अपने पत्नियों के साम्यवाद को इस मान्यता पर आधारित मानता है कि या प्लेटो अपने संपत्ति के सॉरी परिवार के साम्यवाद को इसलिए प्रस्तुत करता है क्योंकि प्लेटो को यह लगता है कि परिवार, पत्नी और बच्चे, इनकी सुख सुविधाओं के लिए उसका जो अभिभावक वर्ग है वो संपत्ति का संचयन करने लगेगा, और उसे प्रतिभाशाली जो स्त्री और पुरुष हैं उनकी प्रतिभा जो है वो नष्ट होती है, और स्त्रियां जो हैं, पत्नियां जो हैं, उनका विकास जो है वो कुंठित होता है, और उससे राज्य का न्याय और एकता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। और इसीलिए प्लेटो जो है वो ये चाहता था कि संपत्ति के संचयन की प्रवृत्ति को जो है रोका जाए, और उसके लिए उसने अपना संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ में वो ये भी चाहता था कि प्रतिभाशाली स्त्री और पुरुष जो हैं उनकी प्रतिभा को प्रतिष्ठित किया जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को समान मान करके चल रहा है, और उसी आधार पर प्लेटो ने स्त्रियों को भी शिक्षा में उतना ही योग्य माना है जितना कि वो पुरुष को मान करके चल रहा है, क्योंकि स्त्रियां भी उतनी ही योग्य हैं और उतनी ही शासन की को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं जितना कि एक पुरुष जो है वो संभाल सकता है। साथ ही साथ में प्लेटो का ये मानना था कि उस समय स्त्रियों की दशा जो है बहुत ज्यादा खराब थी, उनको चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, बच्चों का पालन पोषण करना और घर के कार्य करने तक ही उनको सीमित रखा जाता था, तो प्लेटो स्त्रियों की स्थिति को सुधारना चाहता था, और इन सब के माध्यम से वो राज्य में एकता को भी स्थापित करना चाहता था, और इसीलिए प्लेटो ने अपना परिवार का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद जो है वो प्रस्तुत किया। यद्यपि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपने अभिभावक वर्ग को अच्छी तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित कर दिया है, और उसको ये लगता है कि उसका जो अभिभावक वर्ग है वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होगा, लेकिन प्लेटो को ये लगता है कि परिवार और संपत्ति जो है उनमें परिवार जो है वो संपत्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है, और उसमें अंधा होकर मनुष्य जो है अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए उद्यत और तैयार जो है हो जाता है, और प्लेटो अपने शासक वर्ग को इस खतरे से बचाना चाहता था, और इसीलिए उसने व्यक्तिगत परिवार प्रथा के उन्मूलन का अपना विचार जो है वो प्रस्तुत किया, ताकि उसका जो अभिभावक वर्ग है वह सिर्फ जनता के कल्याण के लिए अपना जो है कार्य करे, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचे और परहित में अपने जीवन को लगाए, और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के उसने परिवार प्रथा का उन्मूलन जो है वो आवश्यक समझा। और इसके संबंध में एक विचारक है सेबाइन, उन्होंने तो इसके संबंध में ये कहा है कि एथेंस में स्त्रियों का कार्यकलाप जो था सिर्फ घर चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने तक ही सीमित था, और प्लेटो इसको अनुचित मान करके चलता था, क्योंकि प्लेटो का यह मानना था कि इससे राज्य का आधे भावी संरक्षकों की सेवाओं से राज्य जो है वो वंचित हो जाता था, जबकि हम स्त्रियों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं,
आधे जो भावी संरक्षक वर्ग है उससे राज्य जो है उनकी सेवाओं से वंचित हो जाता है, और इसलिए जो है प्लेटो स्त्रियों को इस संकुचित क्षेत्र से मुक्त करना चाहता था। और प्लेटो स्त्री और पुरुष में किसी तरीके का भेद नहीं करता है, और इसीलिए वो ये मान करके चलता है कि स्त्रियां भी वो सब कार्य करने के लिए योग्य हैं जो पुरुष वर्ग के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। तो प्लेटो ने अपना जो परिवार का साम्यवाद प्रस्तुत किया उसके तीन मुख्य वो कारण मान करके चलता है, जिसमें पहला जो है उन्होंने ये बताया है कि अभिभावक गण जो है वह व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से मुक्त हो सके। प्लेटो जो है अपने साम्यवाद का कारण जो दे रहा है परिवार के साम्यवाद के कारण, जिसमें पहला उन्होंने बताया है कि अभिभावक गण व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से मुक्त हो सके। और दूसरा उनका परिवार का साम्यवाद जो है उसको प्रस्तुत करने का कारण था कि स्त्रियां जो हैं परिवार के बंधन से मुक्त होकर पुरुष वर्ग के समान शासन संचालन की अधिकारी बन सके। और नेक्स्ट लास्ट जो उद्देश्य प्लेटो अपने इस सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था, उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। तो प्लेटो का अपना जो परिवार का साम्यवाद था उसको रखने का मेन उद्देश्य जो है यही था कि एक तो वो स्त्री और पुरुष दोनों को समान मान करके चल रहा है, और दूसरा वो स्त्रियों को उस समय की जो बुराइयां थी उनसे वो मुक्त करना चाहता था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे परिवार के साम्यवाद का मूल्यांकन।